Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College, University of Allahabad. And in the series of discussing various issues on educational statistics, this time I am going to discuss with you all the concept of quartile deviation and standard deviation. Earlier, I have discussed with you the measures of central tendency and how to compute mean, median and mode, and measures of variability too. This time, the concept of quartile deviation and standard deviation, and in further videos, I will discuss how to compute quartile and standard deviation. So, the lecture will be in bilingual mode and it must be useful for your conceptual understanding for various competitive teaching examinations as well as for your general BA, MA and professional BA, DMed courses. So, let's start. Quartile deviation. Hindi mein bole to chaturthansh vichalan. बात हम लोगों ने कर ली कि मेजल्स ऑफ वेरिएबिलिटी या मेजल्स ऑफ डिस्पर्सन प्रकीर्णन के मापे या विचलनशीलता की मापे, तो हमने उसमें ये जाना कि सेंट्रल टेंडेंसी हमको ये बताती है, मीन मीडियन मोड हमको बताता है, एक औसत बताता है, एक हमको एक ऐसी बात बताती है कि केंद्र के आसपास क्या संभावना है आंकड़ों की, लेकिन केंद्र पूरे आंकड़े किस तरह से वितरित हैं, उनका वितरण किस तरीके से है, ये हमको मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी नहीं बताता है। इसके लिए हमको मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी के बारे में देखना पड़ता है। जैसे कि पिछले वीडियो में आपसे डिस्कस किया था कि दो आंकड़े हैं, दोनों का मीन एक जैसा आ सकता है, बट उनका डिस्ट्रीब्यूशन, उनका प्रकीर्णन, उनकी रेंज में बहुत वेरिएशन हो सकता है। इसलिए हमको पता होना चाहिए कि जो माध्य है, जो औसत है, वो बाकी अंकों से, बाकी आंकड़ों से कितना अलग है, यही डेविएशन है। तो इसमें दो विचलन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं हमसे, हमको पता होना चाहिए, क्वार्टाइल डेविएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, मतलब चतुर्थांश विचलन और मानक विचलन। तो पहले चतुर्थांश विचलन जानते हैं, क्वार्टाइल डेविएशन क्या है ये। द क्वार्टाइल डेविएशन इज ए मेजर, ये एक तरीके की माप है, दैट डिपेंड्स ऑन द रिलेटिवली स्टेबल सेंट्रल पोर्शन ऑफ ए डिस्ट्रीब्यूशन। जो किस पर डिपेंड करती है, ये ऐसी माप है जो कि रिलेटिवली स्टेबल सेंट्रल पोर्शन ऑफ ए डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि किसी भी वितरण का जो केंद्रीय हिस्सा है, जो कि रिलेटिवली स्टेबल होता है, उस पर डिपेंड करती है, क्योंकि जो एंड होते हैं वो जनरली एक्सट्रीम और आउटलियर सब वहीं पाए जाते हैं। अकॉर्डिंग टू गैरेट, गैरेट की स्टेटिस्टिक्स की बुक आती है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छी मानी जाती है। तो गैरेट साहब 1966 में कहते हैं, द क्वार्टाइल डेविएशन इज हाफ द स्केल डिस्टेंस बिटवीन 75th एंड 25th% इन ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए क्वार्टाइल है तो ये तो समझ में आ रहा है कि चतुर्थांश है, यानी कि 1/25 है, मतलब 1/4 है, सॉरी 25% या 1/4, लेकिन शुरुआत का 1/4 नहीं, ना ही आखिरी का 1/4, बल्कि जो बीच का 50% है उसका आधा, ये है क्वार्टाइल डेविएशन। यानी कि हाफ द स्केल डिस्टेंस बिटवीन, यानी कि देखिए शुरुआत 1 percentile से होगी, ऐसे समझिए कि 100 हिस्से हैं, उसको आप 99 भागों में बांट दीजिए, तो वो कह रहे हैं कि जो, तो ऐसे करते करते 25 आएगा, फिर 50 आएगा, फिर 75 आएगा, तो 25वें और 75वें जो परसेंट का हिस्सा है, के बीच का हिस्सा है, उसका आधा क्वार्टाइल डेविएशन होता है। द एंटायर, ये कह रहे हैं ना कि द एंटायर डेटा इज डिवाइडेड इनटू 4 equal parts, जो भी आपका आंकड़ा, आप उसको 4 बराबर भागों में बांट दीजिए, तो हर पार्ट के पास क्या होगा, 25% वैल्यूज हो जाएंगी। अकॉर्डिंग टू गिलफर्ड, गिलफर्ड क्या कहते हैं 1963 में, द सेमी इंटरक्वार्टाइल रेंज इज 1/2 ऑफ द रेंज ऑफ द मिडिल 50% ऑफ द केसेस। यानी कि इसको कहते हैं SIQR, सेमी इंटरक्वार्टाइल रेंज। तो कह रहे हैं कि जो मिडिल 50% केसेस हैं, उनका आधा जो होता है वो सेमी इंटरक्वार्टाइल रेंज होती है। इसका मतलब यही क्या है, क्वार्टाइल डेविएशन, यानी कि सेमी इंटरक्वार्टाइल रेंज इज इक्वल टू क्वार्टाइल डेविएशन। ऑन द बेसिस ऑफ अबव डेफिनेशंस, इट कैन बी सेड दैट क्वार्टाइल डेविएशन इज हाफ द डिस्टेंस बिटवीन Q1 एंड Q3। यानी कि जो आपका 25वां है उसको Q1 कहेंगे, उसी तरह से जब 50th पे पहुंचेंगे तो Q2 हो जाएगा, 75th पे पहुंचेंगे तो Q3 हो जाएगा, तो Q3 में से Q1 को घटा के 2 से भाग दे दें तो आपका क्वार्टाइल डेविएशन आ जाएगा। यही IQR और सेमी इंटरक्वार्टाइल रेंज की बात हो गई। एक इंटरक्वार्टाइल रेंज है, यानी कि Q3 माइनस Q1, यानी कि Q3 75% से लेके 25% के बीच के हिस्से को आप घटा के निकाल जो रहे हैं, वो आपका इंटरक्वार्टाइल परिसर परास है, और उसी का आधा कर दे रहे हैं, तो सेमी, सेमी का मतलब क्या होता है, हाफ ना, जैसे सर्कल, सेमी सर्कल, उसी तरीके से। तो इंटरक्वार्टाइल रेंज क्या है, द रेंज कंप्यूटेड फॉर द मिडिल 50% ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज द इंटरक्वार्टाइल रेंज, पहली बात, और अपर क्वार्टाइल एंड लोअर क्वार्टाइल इज यूज्ड टू कंप्यूट IQR।
यानी कि हम Q1 और Q3 के बीच के हिस्से को IQR मानते हैं, और Q3 दिस इज Q3 माइनस Q1, और IQR इज नॉट इफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज। इसीलिए जो एक्सट्रीम वैल्यूज हैं उनसे IQR इफेक्ट नहीं होता है, क्यों? क्योंकि हमने बीच के हिस्से को लिया है, शुरुआत और आखिरी वाले हिस्से को लिया ही नहीं है। उसी तरह से अगर इसी Q3 माइनस Q1 को हम 2 से भाग दे देंगे तो हमारा सेमी इंटरक्वार्टाइल रेंज आ जाएगा, यही चतुर्थांश विचलन होता है। हाफ ऑफ द IQR इज कॉल्ड एज सेमी इंटरक्वार्टाइल रेंज, SIQR इज आल्सो कॉल्ड एज क्वार्टाइल डेविएशन, और QD, तो QD का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, QD इज इक्वल टू Q3 माइनस Q1 अपॉन 2, यानी कि इंटरक्वार्टाइल रेंज को 2 से भाग दे दें जो कि सेमी इंटरक्वार्टाइल रेंज हो जाएगी, वही क्वार्टाइल डेविएशन होता है। तो क्वार्टाइल डिवीजन है क्या, इट इज एन एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्सन एंड इट इज एक्सप्रेस्ड इन द सेम यूनिट एज डिस्कोर्स। जब हम डिस्पर्सन मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा था कि दो तरीके के डिस्पर्सन है, एब्सोल्यूट मेजर और रिलेटिव मेजर। एब्सोल्यूट मेजर जहां आपको एक्चुअल अमाउंट पता करना होता है, और रिलेटिव जब आप उसके सापेक्ष निकालते हैं तो हमेशा किस में आएगा, दशमलव में आएगा, जिसको कोफिशियंट ऑफ बोलते हैं, यानी कि गुणांक, उसका गुणांक कितने प्रतिशत वो उसके सापेक्ष है, तो सापेक्षता तो हमेशा दशमलव में आएगी। तो क्वार्टाइल डेविएशन डिस्पर्सन का एक एब्सोल्यूट मेजर है। प्रॉपर्टीज क्या है इसकी क्वार्टाइल डेविएशन की, इट इज क्लोजली रिलेटेड टू द मीडियन। देखिए मीडियन भी क्या होता है, बीच का हिस्सा होता है ना, तो ये कह रहे हैं कि जो आपका क्वार्टाइल डेविएशन है वो मीडियन से बहुत ज्यादा मिलता जुलता है, रिस्पॉन्सिव टू द नंबर ऑफ स्कोर्स लाइंग बिलो इट रादर देन टू द एग्जैक्ट पोजीशंस, एंड Q1 एंड Q3 आर डिफाइंड इन द सेम मैनर। ठीक है, द मीडियन एंड क्वार्टाइल डेविएशन हैव कॉमन प्रॉपर्टीज। कह रहे हैं माध्यिका और चतुर्थांश विचलन के गुण जो है वो बहुत कुछ समान होते हैं। बोथ मीडियन एंड क्वार्टाइल डेविएशन आर नॉट इफेक्टेड बाई एक्सट्रीम वैल्यूज। दोनों ही जो मापे हैं वो एक्सट्रीम मतलब एकदम जो अलग है, जो एकदम अलग से माप है उस पर डिपेंड नहीं करता है। इन ए सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन द टू क्वार्टाइल्स Q1 एंड Q3 आर एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द मीडियन, और Q1 इज इक्वल टू Q3 माइनस मीडियन। वो कह रहा है कि अगर आपने बिल्कुल NPC में आपका डिस्ट्रीब्यूशन एकदम सिमेट्रिकल है तो जो Q1 और Q3 हैं वो एक दूसरे इक्वल डिस्टेंस में होंगे, मतलब जितना Q1 फिर Q2 फिर Q3 इस तरह से। तो Q1 क्या हो जाएगा, Q3 माइनस Q2 की जगह आप मीडियन भी कह सकते हैं। Q2 का मतलब क्या है, 50% हुआ ना, तो आप उसकी जगह मीडियन लिख सकते हैं। दस लाइक मीडियन क्वार्टाइल डेविएशन कवर्स एग्जैक्टली 50% ऑफ ऑब्जर्व वैल्यूज इन द डेटा, यानी कि माध्यिका की तरह ही जो चतुर्थांश विचलन है वो एग्जैक्टली 50% हमारा जो है आंकड़ा है उसको कवर करता है। इन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्वार्टाइल डेविएशन इज कॉल्ड द प्रोबेबल एरर और PE। कह रहे हैं कि जो सामान्य प्रायिकता के वक्र होते हैं उसमें जो चतुर्थांश विचलन को क्या कहा जाता है, प्रोबेबल एरर कहा जाता है, मतलब संभाव्य त्रुटि। If the distribution is open class, अगर हमारा distribution open ended है, यानी कि हमको ये नहीं पता है कि zero से, वो कह रहा है less than 10 से शुरू है और जो आपका आखिरी नंबर है मान लीजिए वो कह दे रहा है more than 80, तो ये open ended है। तो इस तरीके के if the distribution is open class and quartile deviation is the only measure of variability that is reasonable to compute, अगर open ended है तो आप सिर्फ और सिर्फ quartile deviation ही निकाल पाएंगे। इन एन एसिमेट्रिक और स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन, हम लोगों ने पढ़ाया है कि जो हमारा एनपीसी है जब वो सिमेट्रिकल नहीं होता है तो दो तरीके से एसिमेट्रिकल हो सकता है, या तो उसमें कर्टोसिस हो जाएगी या स्क्यूनेस हो जाएगी, है ना। तो वही बात कर रहे हैं कि अगर एसिमेट्रिक है, असममित है, बराबर नहीं है दोनों तरफ, मीन मीडियन मोड उसका एक नहीं है, तो Q1 एंड Q3 आर नॉट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम Q2 और मीडियन। तो जो Q1 और Q3 है वो एक दूसरे से बराबर दूरी पे नहीं होंगे Q2 से, यानी मीडियन से। इन सच अ डिस्ट्रीब्यूशन द मीडियन ऑफ द IQR मूव टुवर्ड्स द स्क्यूड टेल। इस तरीके के वितरण में क्या होगा, जो माध्यिका है वो स्क्यूड यानी कि झुकी हुई जो टेल है उसकी तरफ चली जाएगी। द डिग्री एंड डायरेक्शन ऑफ स्क्यूनेस कैन बी असेस्ड फ्रॉम क्वार्टाइल डेविएशन एंड द रिलेटिव डिस्टेंस बिटवीन Q1 एंड Q3। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए, यानी कि मेनली क्या है कि जो हिस्से हैं आपने उसको 25-25 कोई भी हिस्सा उसको चार बराबर भागों में बांट दिया, तो जो पहला 25वां प्रतिशत था उसको Q1 कहा, Q2 जो है वो 50 है, वही मीडियन है, और Q3 है, और Q4 तो आखिरी बिंदु है उसका। तो जो ये आपका चतुर्थांश विचलन है वो एक्सट्रीम स्कोर से प्रभावित नहीं होता है। Q3 माइनस Q1 को इंटरक्वार्टाइल रेंज कहा जाता है, और इसी का आधा जब कर देते हैं आप तो उसको सेमी इंटरक्वार्टाइल रेंज कहा जाता है, जिसको मीडियन भी कहा जाता है, और यही क्वार्टाइल डेविएशन है। ठीक है,
मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, इसके क्या गुण हानि हैं, क्या गुण अवगुण हैं इसके. तो मेरिट्स क्या है कि क्वार्टाइल डेविएशन इज अ बेटर मेजर ऑफ दिस पर्सन देन रेंज बिकॉज इट टेक्स इनटू अकाउंट 50% ऑफ द डेटा. देखिए रेंज में क्या होता है, सबसे बड़ा जो अंक है उसमें से सबसे छोटे अंक को घटा देते हैं, जो निकल आ गया वही आपकी परास है. तो उसमें तो सिर्फ दो अंकों पर निर्भर है, लेकिन ये तो फिर भी 50% अंकों पर निर्भर है. अनलाइक द रेंज विच इज बेस्ड ऑन द टू वैल्यूज ऑफ द डेटा, दैट इज हाईएस्ट वैल्यू एंड द लोएस्ट वैल्यू. ये बात हमने आपसे कर ली. फिर सेकेंडली, क्वार्टाइल डेविएशन इज नॉट इफेक्टेड बाई एक्सट्रीम एरर्स सिंस इट डज नॉट कंसिडर 25% डेटा फ्रॉम द बिगिनिंग एंड 25% फ्रॉम द एंड ऑफ डेटा. कह रहे हैं कि एक्सट्रीम स्कोर से क्यों नहीं प्रभावित होता, क्योंकि शुरुआत का 25% और आखिरी का 25% का नहीं ले रहा है, बीच के 50% का आधा ले रहा है. फिर लास्टली, क्वार्टाइल डेविएशन इज द ओनली मेजर ऑफ डिस्पर्सन व्हिच कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रॉम द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन विद ओपन एंड क्लास. ये बात हो गई. फिर डीमेरिट्स क्या क्या है कि द वैल्यू ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन इज बेस्ड ऑन द मिडिल 50% वैल्यू, इट इज नॉट बेस्ड ऑन ऑल द ऑब्जर्वेशन. आप इसी को माइनस पॉइंट में भी कह सकते हैं कि हम तो सिर्फ 50% के आधार पर निर्णय ले दे रहे हैं, बाकी 50% को तो हम देख नहीं रहे. दस इट इज नॉट रिगार्डेड एज अ स्टेबल मेजर ऑफ डिस्पर्सिबिलिटी. इसलिए जो विचलनशीलता की ये जो है वो स्टेबल नाप नहीं है, दिस इज नॉट ए स्टेबल डिस्ट्रीब्यूशन, है ना. फिर दस इट इज नॉट, ये हो गया. द वैल्यू ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन इज अफेक्टेड बाई सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन, यानी कि जो चतुर्थांश विचलन का मूल्य है, जो मान है, वो सैम्पलिंग के फ्लक्चुएशन से भी प्रभावित होता है. तो ये इसकी कमी है. अब आ जाइए स्टैंडर्ड डेविएशन पे. तो स्टैंडर्ड डेविएशन सबसे ज्यादा पॉपुलर टर्म स्टैटिस्टिक्स में. द टर्म स्टैंडर्ड डेविएशन वाज फर्स्ट यूज्ड इन राइटिंग बाय कार्ल पियर्सन इन 1894. देखिए 1894 में कार्ल पियर्सन ने सबसे पहले अपने लेखन में मानक विचलन शब्द का प्रयोग किया. द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉपुलेशन इज डिनोटेड बाय सिग्मा, ग्रीन थीटा सिग्मा, एंड दैट फॉर इट्स सैंपल इज स्मॉल एस. वो कह रहे हैं कि अगर आप जनरली फॉर्मूले में म्यू जो होता है वो स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए यूज किया जाता है और सैंपल के लिए एस यूज किया जाता है. द स्टैंडर्ड डेविएशन इंडिकेट्स द एवरेज ऑफ डिस्टेंस ऑफ ऑल द स्कोर्स अराउंड द मीन. वो कह रहे हैं कि स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो उसका मतलब क्या है, मानक विचलन का मतलब कि ऑल द स्कोर्स अराउंड द मीन, मीन है बीच में और बाकी सारे स्कोर जो क्या है उससे विचलन शो कर रहे हैं, तो वो सारे विचलनों का औसत निकाल लेता है एक तरीके से. इट इज द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ द मीन ऑफ स्टैंडर्ड स्क्वायर डेविएशन ऑफ ऑल द स्कोर्स फ्रॉम द मीन. देखिए जब हम क्या करेंगे, बीच में हमने मीन ले लिया, ऊपर नीचे आंकड़े हैं, तो कुछ आंकड़े प्लस में जाएंगे, कुछ माइनस में जाएंगे, है ना. कुछ डेविएशन में कुछ पे धन चिन्ह आएगा, कुछ पे ऋण चिन्ह आएगा. तो जो मीन डेविएशन निकालने का फॉर्मूला है वो क्या करता है, सारे डेविएशन को एज इट इज जोड़ देता है, उसके प्लस माइनस साइन पे ध्यान नहीं देता है. तो एक तरीके से कि हम क्या कर रहे हैं, मैथमेटिकल ब्लंडर कर रहे हैं ना, जो माइनस उसको भी प्लस कर दे रहे हैं. इसलिए स्टैंडर्ड डेविएशन एक दूसरा तरीका निकाला. उसने कहा कि ऐसा करते हैं कि जोड़ते नहीं, सबको सबका वर्ग निकाल लेते हैं. सबको जोड़ लिया तो जैसे ही आप वर्ग करेंगे माइनस वाला चिन्ह भी प्लस में चला जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है, फिर उसका वर्ग मूल निकाल लेंगे तो लगभग हमको वही संख्या मिल जाएगी जो पीछे मिली, है ना. तो मीन डेविएशन में यही एक सबसे बड़ी गलती है कि उसमें ऋण चिन्हों पर ध्यान नहीं दिया जाता, सबको जोड़ लेते हैं. तो उसी चिन्ह उसी गलती को सुधारने के लिए मानक विचलन का कंसेप्ट आया. वो कह रहे हैं कि नहीं, हम गलत सलत नहीं जोड़ेंगे. आपने कुछ विचलन माइनस में है, धन चिन्ह के ऋण चिन्ह के संग है, कुछ धन चिन्ह के संग है, सबका स्क्वायर कर दीजिए, वर्ग निकाल दीजिए, तो सारे चिन्ह धन हो जाएंगे. अब चिन्ह की दिक्कत रही नहीं, लेकिन हमने मान चूंकि वर्ग डबल कर दिया है, तो आप क्या करें, अंडर रूट निकाल लीजिए, यानी कि वर्ग मूल निकाल लीजिए, तो आपका मान सही आ जाएगा. फिर स्टैंडर्ड डेविएशन शोज हाउ मच वेरिएशन देयर इज फ्रॉम द मीन. स्टैंडर्ड डेविएशन हमको ये बताता है कि माध्य से कितना विचलन अंक शो कर रहे हैं. इफ स्टैंडर्ड डेविएशन इज लो, अगर हमारे आंकड़े में स्टैंडर्ड डेविएशन कम है, देन दैट मींस इफ स्टैंडर्ड डेविएशन इज लो इट मींस दैट द डेटा इज क्लोज टू द मीन. यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन कम है, यानी कि हम डेविएट कम हो रहे हैं, तो डेटा ज्यादातर कहाँ होगा, मीन के पास होगा. लेकिन अगर हाई स्टैंडर्ड डेविएशन है तो ये क्या इंडिकेट करता है, दैट द डेटा इज स्प्रेड आउट ओवर ए लार्ज रेंज ऑफ वैल्यूज, यानी कि डेटा बहुत बिखरे हुए और बहुत कंजस्टेड और एक जैसा है. अगर हमको लो एस डी मिलता है, लेकिन अगर हमको हाई एस डी मिल रहा है, इसका मतलब डेटा बहुत ज्यादा वेरी कर रहा है. इफ द डिफरेंस बिटवीन मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज वेरी लार्ज, देन द थ्योरी बीइंग टेस्टेड प्रोबेबली नीड्स टू बी रिवाइज्ड. वो कह रहे हैं कि अगर मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन के बीच का अंतर बहुत ज्यादा आ रहा है, तो हमको अलग से ए हाई स्टैंडर्ड, ये हो गया. इफ द डिफरेंस बिटवीन मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज वेरी लार्ज, देन द थ्योरी बीइंग टेस्टेड प्रोबेबली नीड्स टू बी रिवाइज्ड. वो कह रहे हैं कि अगर बहुत ज्यादा अंतर आ रहा है मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन में, तो जो हम टेस्ट कर रहे हैं थ्योरी, हो सकता है कि आपको उसको रिवाइज करना पड़े, बिकॉज इतना ज्यादा अंतर नहीं आना चाहिए. द मीन विद स्मॉलर स्टैंडर्ड डेविएशन इज मोर रिलायबल देन मीन विद लार्ज स्टैंडर्ड डेविएशन. जिनके मानक विचलन कम होते हैं वो ज्यादा विश्वसनीय होते हैं, बजाय इसके जिनके मानक विचलन ज्यादा. मानक विचलन ज्यादा से मतलब क्या है, मतलब यही है कि आप माध्य से बहुत ज्यादा विचलित विचलित हो रहे हैं, विचलन शो कर रहे हैं. और अ स्मॉलर एसडी,
shows the homogeneity of the data. एक जैसा data समांगी data है, ये proof होता है अगर हमारा SD small है. The value of standard deviation is based on every observation in a set of data. SD is used in further statistical analysis. मतलब कि इस standard deviation को और statistical analysis में भी use किया जाता है. फिर मेरिट्स इसकी कुछ क्या है, इसकी गुण है कि इट इज वाइडली यूज बिकॉज इट इज द बेस्ट मेजर ऑफ वेरिएशन. देखिए इसमें हमने कोई गलती नहीं की, माइनस वाले को पहले प्लस बनाया, वर्ग करके फिर वर्गमूल निकाला, इसलिए सबसे अच्छा तरीका है निकालने के लिए. ऑल ऑफ इट इज बेस्ड ऑन ऑल द ऑब्जर्वेशन ऑफ द डेटा, यानी कि हमारे सभी आंकड़ों पर निर्भर करता है. इट इज बेस्ड ऑन ऑल दी, अच्छा, इट गिव्स एन एक्यूरेट एस्टिमेट ऑफ पॉपुलेशन पैरामीटर व्हेन कंपेयर्ड विद अदर मेजर्स ऑफ वेरिएशन. और विचलनशीलता की मापे देखें तो उसमें से जो है मानक विचलन सबसे सटीक हमको पॉपुलेशन के बारे में जानकारी देता है. ये सैम्पलिंग के फ्लक्चुएशन से बहुत कम प्रभावित होता है. इट इज ऑल्सो पॉसिबल टू कैलकुलेट कम्बाइंड एस डी. इट इज ऑल्सो पॉसिबल टू कैलकुलेट कम्बाइंड एस डी दैट इज नॉट पॉसिबल विद अदर मेजर्स. इट इज ऑल्सो पॉसिबल टू कैलकुलेट कम्बाइंड एस डी दैट इज नॉट पॉसिबल विद अदर मेजर्स. कह रहे हैं कि ये भी आप कर सकते हैं कि आप जोड़ के मानक विचलन निकाल लीजिए, जो कि अन्य माध्यमों से, अन्य तरीके से संभव नहीं है. Further statistics can be applied on the basis of SD like correlation, regression, tests of significance, etc. वो कह रहे हैं कि आगे की statistics, आगे की सांख्यिकी गणनाएं, सांख्यिकी सूत्र भी आप विचलन SD यानी मानक विचलन से निकाल सकते हैं, जैसे सहसंबंध का सूत्र, regression के बारे में, जो महत्ता का परीक्षण होता है उसके बारे में भी आपको सब में SD की जरूरत पड़ती है. और coefficient of variation is based on mean and SD, जो हमारा विचलनशीलता का गुणांक होता है वो माध्य और विचलन विचलन मानक विचलन पर ही निर्भर करता है. इट इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट मेथड टू कंपेयर वेरिएबिलिटी ऑफ टू और मोर डिस्ट्रीब्यूशंस. कह रहे हैं कि सबसे अच्छा तरीका है तुलना करने का, विचलनशीलता की तुलना दो या दो से अधिक वितरणों में करनी है तो आप सबसे पहले बढ़िया मानक विचलन लगा दीजिए, निकाल लीजिए. अच्छा, ठीक है. तो इस तरीके से हमको सवाल लगाए जाते हैं, हमसे थ्योरी नहीं पूछी जाती, हमसे पूछा जाता है कि आप चतुर्थांश विचलन निकालिए, आप इसका मानक विचलन बताइए क्या होगा. लेकिन इन सबके लिए जरूरी है कि पहले हमें पता हो कि मानक विचलन क्या है. हमने आपको बताया कि चूंकि जो माध्य है वो बीच का कोई अंक है, बाकी सारे अंक उससे भिन्न है, तो अगर हम विचलन निकालें, हर में से माध्य को घटा दें, तो क्या आएगा, कुछ अंक पॉजिटिव में आएंगे, कुछ नेगेटिव में आएंगे, किसी पे धन चिन्ह आएगा, किसी पे ऋण चिन्ह आएगा. तो मीन डेविएशन जब निकालते थे तो सारे अंक जोड़ लिए जाते थे इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर साइन, ये नहीं देखा जाता धन है ऋण, जो है सब जोड़ लो और जितनी संख्या है उससे भाग दे दो. लेकिन तब तो ये गलत तरीका हुआ ना, आप धन चिन्ह को, ऋण को भी धन बना ले रहे हैं. तो क्या किया गया, आप मैथमेटिकली चलिए, लॉजिकली चलिए, यानी कि जितने भी माइनस के अंक हैं, मतलब जितने भी विचलनशीलता का मान है सबको स्क्वायर कर दीजिए, तो माइनस वाला भी किसमें चला जाएगा, प्लस में. पर हम अंक का स्क्वायर कर चुके हैं ना, यानी कि गुणा गुणे, मतलब मान लीजिए x है तो x इंटू x कर चुके हैं, तो मान तो बदल गया, तो क्या करिए, वर्गमूल निकाल लीजिए नेक्स्ट स्टेप पे. तो क्या हुआ, मान में हमारे कोई चेंज नहीं आया, लेकिन हमारा जो मान है वो धनात्मक निकलेगा, ऋणात्मक नहीं निकलेगा. ठीक है, तो ये एक सही तरीका है, इसलिए ये थोड़ा सा टिपिकल है, थोड़ा सा मुश्किल है. और विविध बच्चों को अक्सर वर्गमूल निकालने नहीं आता है, अंडर स्क्वायर रूट नहीं निकाल पाते हैं, स्क्वायर नहीं कर पाते हैं. और बाकी क्वार्टाइल डेविएशन मैंने आपको बता दिया कि बी शुरुआत के 25 या बाद के 25% अंकों का आधा नहीं है, बीच के 50% का आधा है, इसलिए बहुत कुछ इसके गुण जो है वो माध्यिका से मिलते जुलते हैं. ये चतुर्थांश विचलन है. और ये रहा था आपका जो अभी डिस्कस हुआ वो मानक विचलन. ठीक है, तो ये आपको कंसेप्ट पता चल गया, आप सीखेंगे कि कैसे आप क्वार्टाइल डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन के सवाल लगाएंगे. ठीक है, so in this video I have discussed with you all the concept of quartile and standard deviation. So thank you, and don't forget to like and subscribe my channel Explore Education. I've done